नमस्कार। मुंबई की एफडीए विभाग ने मुंबई के मस्जिद मंदिर इलाके में छापेमारी करके नकली चाय बनाने के एक अड्डे का पर्दाफाश किया है। वहां से एफडीए विभाग को चाय के ऐसे सैंपल मिले हैं जिसमें चाय की पत्ती को स्वादिष्ट और चाय का एक खास रंग लाने के लिए केमिकल कलर का इस्तेमाल किया जाता था, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। एफडीए के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नकली चाय पत्ती बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड डालकर 1264 किलोग्राम नकली चाय की पत्ती बरामद की है। यह चाय पत्ती मुंबई के तमाम इलाकों में चाय की दुकानों पर सप्लाई की जाती थी। नकली चाय की इस फैक्ट्री को बगैर किसी लाइसेंस के चलाया जा रहा था। यहाँ बनने वाली चाय की पत्ती बेहद अनहाइजेनिक तरीके से तैयार की जा रही थी। फिलहाल इसे लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है और ये किस तरह से चाय पीने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।